तो मैंने सोचा कभी कभी अपनी मर्जी का भी खाना बनाना चाहिए ना, तो मुझे तो काले चने और साथ चावल बड़े पसंद है। मेरा ना लास्ट वीक से ही दिल कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, बच्चों की भी फरमाइश आती है, घर वालों को भी देखना होता है। तो रात को मैंने सोच लिया, मैं कह नहीं भाई समिया बहुत हो गया। सबकी सुन सुन के अब अपनी भी सुनाओ इन सबको, और यही आज सबको खिलाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समियाज रसोई। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आज ही हुआ सुबह सुबह का आगाज़। सो टाइम हो गया काम पे जाने का, तो मैंने कहा चले आपको भी आज साथ लेके चलती हूँ और आज दिखाती हूँ बाहर का वेदर, क्योंकि आज मेरी डार्लिंग आ चुकी है। तो चले आए फिर चलते हैं काम पे। ये देखें जी, गाड़ी हमारी आ चुकी है, बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें आपके बगैर मैंने वीडियो नहीं बनाई, हाय हाय, क्यों? मेरा दिल ही नहीं किया किसी और के साथ। हाय सनाए कैसे हैं आप? ठीक है ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गई फिर 1 वीक हॉलीडे? बिजी बिजी मैं बिजी। दैट्स गुड। ये देखें जी, आज का वेदर काफी क्लाउडी है, आई थिंक बारिश होनी है आज। देखते हैं आज धूप निकलती है कि बारिश होती है, और कोई नई ताजी? नई ताजी यही है कि बारिश हो गई। नहीं, बारिश हो चुकी है। अच्छा, कब? कब हुई है? अर्ली मॉर्निंग। इसे नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने तो अभी निकलने से पहले ही कर्टन पीछे किए थे, तो मैंने सोचा आज बारिश होनी है। ये देखें जी, पता ही नहीं चलता कब बारिश होती है कब धूप निकलती है। चले अब चलते हैं अपने काम की तरफ, तो मिलते हैं आपको फिर। काम जी हमारा हो चुका है फिनिश, तो अब चले हैं घर। तो घर जाके आपसे करते हैं फिर मुलाकात। तो मैंने कहा जाते जाते आपको दिखा जो वेदर। ये देखे माशाल्लाह अब धूप निकल आई है, तो अभी वैसे बादल भी हैं लेकिन धूप निकली हुई है, वेरी नाइस वेदर हो रहा है। काम से जी घर आ चुके हैं, आके किया नाश्ता। नाश्ता कुछ खास नहीं किया आज, विटाबिक्स ही खाया था। तो वो खाना खा के तो फिर रेसिपी की सारी चीजें रेडी की हैं। आज बनाते हैं काले चने, तो वो मैंने रात को ही भुगो के रख दिए हुए थे, तो बस इंग्रेडिएंट बाकी के रेडी किए हैं। तो मैंने सोचा कभी कभी अपनी मर्जी का भी खाना बनाना चाहिए ना, तो मुझे तो काले चने और साथ चावल बड़े पसंद है। मेरा ना लास्ट वीक से ही दिल कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, बच्चों की भी फरमाइश आती है, घर वालों को भी देखना होता है। तो रात को मैंने सोच लिया, मैं कह नहीं भाई समिया बहुत हो गया। सबकी सुन सुन के अब अपनी भी सुनाओ इन सबको, और यही आज सबको खिलाऊंगी। काले चने वैसे कहते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इनका इतना ही असर होता है जितना पायों का असर होता है ना, पता नहीं मेरे अब्बू कहते थे। मुझे सही नहीं पता। तो जो डायबिटी वाले हैं उनके लिए भी काले चने बहुत अच्छे हैं, आप भून के खाएं, या वो मिलते हैं ना भुजे हुए चने काले, वो खाने चाहिए जिनको डायबिटी है, तो ये वाले चने भी खाने चाहिए। वो तो है रोटी के साथ खाएं, तो हम खाएंगे चावल के साथ। तो चले आए जी अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। इंग्रेडिएंट हैं जी चने, ये जो मैंने रात को भुगो के तो रखे हुए थे, अभी मैंने इनको अच्छी तरह धो के तो दोबारा इनके अंदर पानी ऐड किया है। ये मैंने बस अंदाजे से ही डाले हैं, मुझे नहीं पता कितने। तकरीबन 1/2 kg से कम ही होंगे। तो ऑयलिव ऑयल, और ये है जी अनियन जो मुझे रुलाते हैं, और आपने किसी ने अभी तक मुझे बताया नहीं, मुझे कोई टिप ही नहीं दी किस तरह इनको काटूं और प्याज भी ना लगे। ये हैं जी 3 मीडियम साइज के टमाटर और गार्लिक एंड जिंजर, 3-3 क्यूब हैं, और 3 से 4 आई थिंक ग्रीन चिली हैं, और ये 2 चम्मच योगर्ट के हैं, और इनमें ऐड करूँगी थोड़े से फ्राई अनियन, अगर आप ज़्यादा काट सकते हैं तो 4 अनियन काट लीजिएगा।
मैंने तीन ही काट के कहा बस भाई, फोर नहीं काटे जाते, तो इसलिए ये मैं फ्राई अनियन इनके अंदर ऐड कर रही हूँ। आते हैं जी अपनी स्पाइस की तरफ। इसमें है जी नमक, हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, जीरा, दादरा किया हुआ धनिया, और ये पेपरिका, और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो चले आए फिर बनाना शुरू करते हैं। एक प्रेशर लिया है, सबसे पहले चने ऐड कर देते हैं इसमें। मैं पानी वही यूज कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने इनको 2 से 3 दफा अच्छी तरह धो लिया हुआ था। अब जाते हैं जी गार्लिक एंड जिंजर, ग्रीन चिल्ली, और साथ ही जाते हैं जी अनियन, जाते हैं जी टमाटर भी, और ये फ्राई अनियन, और ये हैं जी सारे स्पाइस। अब जी इनको लगा देना हमने प्रेशर। चूल्हा कर देते हैं ऑन। अब जी जब ये इसकी सिटी बोलेगी तो इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए रखेंगे, क्योंकि ये रात को भिगोए हुए थे तो फिर भी इनको 20 मिनट तो लगते ही हैं। तो फिर मिलते हैं जी आपको जब सिटी बोलेगी। मैंने प्रेशर रखा तो मैंने कहा चले साथ में सैलेड भी बना लेती हूँ। सैलेड ज़रा अच्छी लगती है खाने के साथ, स्पेशली दोपहर को, तो साथ हो पुदीने की चटनी भी तो और ही मज़ा आ जाए। फुल पाकिस्तानी माहौल बना के लंच करेंगे। पाकिस्तान की जी बात ही कुछ और है, उसके साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हैं। काटते हैं जी क्यूकम्बर, खीरे भी पाकिस्तान के ही मज़े के लगते हैं, खैर यहाँ के भी मज़े के ही हैं लेकिन वहाँ के तो फिर वहाँ के ना एजडा में मिलते हैं छोटे छोटे से, पता कितने होने हैं, इतने जितना मैं हाथ आपको दिखा रही हूँ ना, इतने छोटे छोटे से हैं वो, मुझे लगते हैं पाकिस्तान के, वो भी बड़े मज़े के हैं। अब काटते हैं जी लेटस, अब जी काटते हैं टमाटर। मैंने कहा जो जो है सब कुछ डाल दो सलाद में। आज ना मैंने मूली भी काट के डाली है, मैं वो पाकिस्तान शॉप से लेके आई हुई थी, तो बड़ी अच्छी थी, है भी मज़े की, मैंने टेस्ट किया, मज़े की है मूली जो है ना, तो मैंने कहा मूली भी कहते हैं बड़ी अच्छी चीज़ है, खाने को वो डाइजेस्ट करती है, तो क्यों ना सलाद में वो भी डाली जाए। अब पता नहीं बच्चे खाते हैं कि नहीं, मैं तो खैर शौक से खाती हूँ मूली, बच्चों का नहीं मुझे पता, तो चले मैं तो खाऊंगी शौक से। सलाद जी हमारी हो चुकी है रेडी, तो अब वेट करते हैं जब सीटी हिलती है, फिर आपसे वो करते हैं मुलाकात। सीटी जी हिलना शुरू हो गई है तो अब इसको 20 मिनट रखते हैं। इसको रखे हुए 20 मिनट हो चुके थे, चूल्हा मैंने काफी देर से बंद कर दिया था, तो अब इसकी सीटी उतारते हैं और देखते हैं जी। चने को चेक करते हैं, चने हमारे गल चुके हैं, तो ये थोड़ा सा पानी है तो इसको हम कर लेते हैं ड्राई। एक आइडिया और भी है इसके साथ, या तो पानी ड्राई कर लें या इसको निकाल लें पानी को,
तो उसको सेपरेट रख लें चने भून के, तो फिर ये पानी और कुछ और ऐड करके, तो आप उस तरह भी शोरबा जो है ना काफ़ी थिक वाला बनता है और मज़े का बनता है। तो चलें आज मैं उस तरह करती हूँ, पानी को ड्राई नहीं करती, इसको ड्रेन कर लेते हैं दूसरे बर्तन में। चनियों का जो पानी है वो देखें ड्रेन करके, तो हमने ये सेपरेट कर लिया है। अब जी चूल्हा कर दिया ऑन, अब इसमें ऐड करते हैं हम दही। दही ऐड करके जल्दी से इसको मिक्स करना है आपने। अब जी ऐड करते हैं ऑयल। ऑयल पे जो है ना हाथ हौला रखना है। मैं कोशिश कर रही हूँ कम डालू। ये इतना सारा, दो डोई ये वाली मैंने डाली है। अब जी आपने करनी है इसकी अच्छी तरह बुनाई। चने को जी भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, इनको काफी अच्छी तरह मैंने भुना है। और ये देखिए मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं जी ये जो चनेओं का पानी निकाला था, सबसे पहले ये जाता है। अब जाता है जी थोड़ा दूसरे वाला पानी, वो आपने रोटियों के साथ बनाने हैं या चावलों के साथ, क्योंकि मैंने चावलों के साथ बनाने हैं तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी। और ये जो चनेओं का पानी आप इसमें डालेंगे ना, तो ये तो आपको पता ही है फुला फ्लेवर है चनेओं का ही, तो बड़ा मज़े का बनता है इसका शोरबा जो है। अब जी आप बेशक इसको मीडियम आंच पे रख दें या प्रेशर लगा दें, मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूंगी और साथ ही रख दूंगी चावल बनने के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ चुके हैं तो लंच टाइम भी हो रहा है। इसको करते हैं साइड पे। इधर जी रख दिया पानी चावलों के लिए, और चावल मैंने पहले के धो के रख दिए हुए थे, तो अब जैसे ही इनको उबाला आता है तो फिर इसमें ऐड करेंगे चावल। और इधर देखिए मैंने पुदीने की चटनी भी रेडी कर दी है। मैं जब पुदीने की चटनी बनाती हूँ ना, तो वो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह फ्रीज़ की हुई है। ये हैं जी, ऐसे मैं छोटी डब्बियों में डाल के तो फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर इनको निकाल देती हूँ, तो फिर डीप फ्रोज हो जाती हैं, तो फिर योगर्ट में डालो तो बना लो। ये कितना इजी तरीका है। वरना तो आप फ्रेश बनाओ वो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ये टाइम सेविंग के लिए बेटर है कि आप एक ही दफ़ा बना के तो तकरीबन महीने के लिए आप फ्रीज़ कर दिया करें, तो आपके लिए ईजी हो जाता है फिर काम। प्रेशर जी अब हिलना शुरू हो गया, अब इसको रखते हैं 4 से 5 मिनट के लिए और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। पानी को देखें जी उबाला आना शुरू हो गया। अब इसमें नमक डालते हैं, 2.5 मग चावल हैं और मैं 2.5 ही चम्मच नमक के डालूंगी। और प्रेशर जो है वो मैंने 4 मिनट के बाद बंद कर दिया हुआ था। ऐड कर देते हैं चावल जी, इनको 99% आपने पकाना है, तो फिर इसका पानी ड्रेन करके इनको दम पे रखेंगे। चावलों को जी हम चेक करते हैं और साथ आपको भी दिखाते हैं। ये देखें 99% हो चुके हैं। अब जी इनका पानी हम ड्रेन कर लेते हैं।
चावलों का पानी जी ड्रेन कर दिया, अब इनको लगा देते हैं हम दम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देते हैं। आप देखते हैं अपनी हांडी को भी, बहुत ही मजेदार हमारे चने हो चुके हैं रेडी। अब गार्निश करते हैं धनिया के साथ। ये धनिया, धनिया जो हांडी की जान होता है, तो ये देखे कि अब लगी है ना हांडी जब धनिया ऊपर डाला है। चले जी चूल्हा कर देते हैं बंद। तकरीबन हो गए इसको 10 मिनट रखे हुए, दम खोल देते हैं। दाना दाना खिला हुआ है। ओए ओए मेरा फोन ना गिर जाए। अब जी इनको हम करते हैं डिश आउट, बच्चों के लिए डालते हैं खाना। क्योंकि उनको लगी हुई है भूख। मुच्छी डालते हैं ऊपर सालन। आ गया ना आपके मुंह में भी पानी। है ना मजे के। ये है जी चने चावल। अब डालते हैं जी सलाद साथ। नीचे गिर गई है। अब थोड़ी थोड़ी सी चटनी डालते हैं। अब चलते हैं जी अंदर, तो देते हैं जाके बच्चों को खाना। तो आपसे लेते हैं इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।